मुस्लिम समाज एक आवाज के अध्यक्ष तशरीफ लाए हमारे लाइव स्टूडियो में शकील अहमद साहब। तो अभी जो मंसूरी समाज 6 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहा है उस विषय में हम उनसे चर्चा करते हैं, उनकी सोच क्या है कार्यक्रम को लेके और वो क्या कहना चाहते हैं बताइए। आज जो 6 तारीख को कार्यक्रम हमारे जाहिद मंसूर के होने जा रहा है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए हमारे जाहिद भाई जो हैं बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और मेरी मुस्लिम समाज के अंदर उपाध्यक्ष भी हैं। हमारी सोच ये है कि उन्होंने कुछ हमारे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को सम्मान पत्र देने के लिए भी उनको दावत दी गई है और हम ये चाहते हैं कि हमारे राहिद भाई जो मंसूरी समाज के अंदर एक अच्छा कार्य करते हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और लोगों की खिदमत भी करते हैं, तो हम ये चाहते ये हैं कि इनके लिए आगे अल्लाह मियां और इनको तरक्की अता फरमाए और ये लोगों की खिदमत करें, एक अच्छे काम करते रहे। अच्छा, ये कार्यक्रम जो रखा है 6 तारीख को उसमें गेस्ट कौन आ रहे हैं और गेस्ट के अलावा और कौन कौन लोग हैं? देखिए सर, मेरी जानकारी में तो आरिफ मसूद साहब का ही है और बाकी हम सब मुस्लिम समाज के और समाजों के सदर वगैरह हैं, सदर हैं, नायब सदर हैं। तो ये जो कार्यक्रम रखा है 6 तारीख को उसका समय क्या है और कहाँ रखा है? देखिए उसका समय जो है शाम के रखा है, ईशा के बाद समझिए 8 बजे के बाद ईशा की नमाज पे रखा है। वो रखा है चिकलोद रोड पर जाहिद मंसूरी साहब के रौनक शादी। उसमें कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं, कितने लोगों का कार्यक्रम है, कितने पत्रकारों को सम्मान किया जा रहा है, कितना समाज लोगों समाजवादियों समाज सेवाओं का सम्मान किया जा रहा है? जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी हमारे राहिद भाई ने कि हम ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों का सम्मान करें और उनको सम्मानित करें ताकि वो लोग भी हम लोगों के आगे आते रहें। और रहा सवाल समाजों का और उनकी खुद की बिरादरी के लोगों का, उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा है और ज्यादा से ज्यादा लोग 1800 लोग तो कम से कम लाइव से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव स्टूडियो में आने का।